हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्पीडोमीटर कैसे वर्किंग करता है यह देखेंगे। ये हमारे पास एक स्पीडोमीटर है, इसका इस्तेमाल ई रिक्शा में किया जाता है। डिजिटल स्पीडोमीटर है ये, इधर डिस्प्ले इसकी, और ये जो होल है इधर की लॉक जो चाबी लगती है वो यहीं फिट होती है। ये इसकी वायरिंग है जो वायर निकली हुई है इससे में, और ये कनेक्टर लगा रहता है। इसकी इनपुट पावर सप्लाई है 48 वोल्ट से 60 वोल्ट डीसी इनपुट हम दे सकते हैं इसमें। इसके अंदर क्या, जब स्पीड दिखाएगा कितनी आरपीएम, कितनी स्पीड पे हम चल रही है ई रिक्शा, और बैटरी बैकअप कितना वोल्टेज है बैटरी की, वोल्टेज दिखाता रहेगा, और इंडिकेटर शो करेगा राइट साइड में और लेफ्ट का लेफ्ट साइड में, और हेडलाइट जब हम ऑन करेंगे उसमें उसका भी वो दिखाएगा कि हेडलाइट ऑन है। ये इसकी इस तरह से वायरिंग है। ये दो वायरों में हम इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, मतलब 48 वोल्ट डीसी प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव। उसके बाद दो वायर जो है वो हमारी इंडिकेटर में यूज हो जाएगी, लेफ्ट और राइट वाला इंडिकेटर। और एक वायर हेडलाइट के लिए यूज करेंगे, और ग्रीन कलर की जो वायर है वो स्पीडोमीटर में जो स्पीड जो आरपीएम, जैसे हमारी ई रिक्शा चलेगी वो आरपीएम को शो करेगी। ऐसे करके इससे जो वायर निकली हुई है वो 6 वायर निकली है, ये इधर कनेक्टर में लग जाती है, उधर जो उसकी हार्डनेस वायर होती है उसमें कनेक्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।